हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JCM इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सर? फ्रेंड्स, आज हम वोकेबलरी का पार्ट 6 कवर करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 5 पार्ट आ चुके हैं हमारे JCM के चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इंस्टेंस, जिसका मतलब होता है एन अकरेंस ऑफ समथिंग, जिसे हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और एक है क्लैरिफाई बाय गिविंग एन एग्जांपल, इसको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, राइट? ठीक है, इसका सिनोनिम डिटेल, रीजन या एग्जांपल होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंडिजेंट, जिसका मतलब होता है समवन हु इज़ वेरी पुअर। सिनोनिम इसका नीडी या डेस्टिट्यूट रहता है, एंटोनियम प्रॉस्पेरस, राइट? नेक्स्ट वर्ड है परपेट्रेटर, जिसका मतलब होता है पर्सन हु किल समवन, अपराधी इसका मतलब होता है। सिनोनिम इसका क्रिमिनल, ऑफेंडर या कल्प्रिट, एंड एंटोनिम इसका स्केपगोट, इनोसेंट। ठीक है, आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, तो अपनी नोटबुक में मेंटेन कीजिएगा वोकैबुलरी जितना भी हम करते हैं, ठीक है? और कोशिश कीजिएगा कि रोज़ ही रिवाइज करें। नेक्स्ट वर्ड है फैटेलिटी, ये काफ़ी आजकल न्यूज़ में आया हुआ वर्ड, जिसका मतलब होता है डेथ कॉज बाय एन एक्सीडेंट और बाय वायलेंस। सिनोनिम इसका कैजुअलिटी या एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसमिल, जिसका मतलब होता है कॉजिंग अ मूड ऑफ ग्लूम और डिप्रेशन। सिनोनिम इसका सैड या डिस्करेजिंग, एंटोनियम प्लीजेंट या चेयरफुल। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्वेलेसेंट, जिसका मतलब होता है ए पर्सन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। सिनोनिम इसका मेंडिंग, इम्प्रूविंग या रिक्यूपरेटिंग। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओमिनस, जिसका मतलब होता है गिविंग द वरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। सिनोनिम इसका डार्क, ग्रिम, सिनिस्टर, एंटोनिम इसका सेव या ऑस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉमेंस, जिसका मतलब होता है बिगिन टू स्टार्ट। सिनोनिम स्टार्ट, इनिशिएट, एहेड, एंटोनिम एंड, स्टॉप या सीज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है टम्बल, जिसका मतलब होता है सडन ड्रॉप फ्रॉम एन अपराइट पोजिशन। ये नाउन की तरह यूज होता है, और फॉल सडनली एंड शार्पली हम वर्ब की तरह ही यूज़ करते हैं। सिनोनिम इसका फॉल या कैस्केड। ठीक है, कैस्केड बेसिकली हम वाटरफॉल्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनइक्विवोकल, जिसका मतलब होता है लिविंग नो डाउट, अनएम्बिगस, एकदम क्लियरली, विदाउट एनी डाउट। सिनोनिम इसका एक्सप्लिसिट, क्लियर, अपेरेंट। हमने पहले लेक्चर्स में ये वर्ड यूज़ किया है, एक्सप्लिसिट। ठीक है, एंटोनियम इसका वेग या एम्बिगस, जो क्लियर ना हो, वेग या एम्बिगस, राइट? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वर्ड है ऑगरी, अ साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सिनोनिम इसका साइन, वार्निंग, प्रिडिक्शन या हेराल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विटिएट, डिस्ट्रॉय और इम्पेयर द लीगल वैलिडिटी, किसी चीज़ को बिगाड़ने को विटिएट कहते हैं। सिनोनिम इसका स्पॉइल, करप्ट, कंटेमिनेट या कैंसिल। एंटोनियम इसका क्लीन, ऑनर या एलो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विसिनिटी, जिसका मतलब होता है अ सराउंडिंग और नियर बाय रीजन या प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रिगरस, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल। सिनोनियम इसका प्रिसाइज, प्रॉपर, एक्यूरेट, एंटोनियम फॉल्स या इनएक्यूरेट। आज का लास्ट वर्ड है एम्फेटिकली, जिसका मतलब होता है इन अ फोर्सफुल वे, विदाउट डाउट, डेफिनेटली। सिनोनियम इसका सर्टेनली, एब्सोल्युटली या विगरेसली, राइट? ये था वोकैबुलरी का पार्ट 6। पहले के पार्ट देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।